का और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के कापसी कोपरी गांव में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर के ड्रॉप पिला दिए गए। सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। की हालत स्थिर है, डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। इस मामले में भानपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर, एक आंगनवाड़ी सेविका और एक आशा कार्यकर्ता के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। यवतमाल के सोशल एक्टिविस्ट किशोर तिवारी ने कहा है कि वे स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से मुलाकात करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। इन बच्चों की तबीयत हुई खराब, यह मामला रविवार का है। इसके अगले दिन सोमवार को जब पोलियो अभियान वाली टीम को बताया गया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दूसरी बार में पोलियो की दवा पिलाई। जो बच्चे बीमार हुए हैं उनके नाम है गीरम गेदाम, योगेश्री गेदाम, तनुश्री गेदाम, हर्ष मेश्राम, वेदांत मेश्राम, राधिका मेश्राम, प्राची मेश्राम, माही मेश्राम, निशा मेश्राम, आस्था मेश्राम और भावना अर्के। दवा पिलाने वाले स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई या नहीं, जिला परिषद के CEO कृष्ण पांचाल ने कहा, यह एक बड़ी लापरवाही है। पोलियो वैक्सीन की बोतल पर वायरल मॉनिटर वाले स्क्वायरल बने होते हैं, इनका विशेष रंग होता है। ऐसे में यह लापरवाही कैसे हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। यह भी देखा जाएगा कि बच्चों को दवा पिलाने वाले स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई थी या नहीं। भारत में 3 दिन पहले ही शुरू हुआ पोलियो अभियान भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। यह 10 साल से कोई ऐसा केस नहीं हुआ है। आखिरी केस 13 जनवरी 2011 को सामने आया था। हालांकि सतर्कता अभी भी बरती जा रही है क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केस आना जारी है। इसी के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर 2021 के लिए राष्ट्रीय पोलियो अभियान शुरू किया है। वापस पोलियो के डोज वापस देने में आए, उसमें से एक बच्चे को नौजिया और वोमिटिंग हुई और उसके बाद उनको GMC में दाखिल किया गया और उसमें से एक बच्चा जिसको उल्टी हुई थी उसकी प्रकृति अभी स्थिर है और बाकी बच्चों की भी प्रकृति स्थिर है।